घर में बच्चे हों तो हर वक्त किसी न किसी घटना का डर बना रहता है। माँ बाप हर वक्त बच्चों का ख्याल तो रखते हैं, मगर जिन बच्चों ने चलना और स्कूल जाना शुरू कर दिया हो उनकी 24 घंटे की निगरानी नामुमकिन हो जाती है। ऐसे में कई बार बच्चे कुछ ऐसी गलतियाँ और लापरवाही कर जाती हैं जिनके खतरों से वह बिल्कुल अनजान होते हैं, और जब तक माँ बाप को पता चलता है मामला हाथों से जा चुका होता है। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जब स्कूल के बच्चों की रोज के इस्तेमाल वाली पेंसिल एक बच्ची के लिए जानलेवा साबित हो गई। जिस पेंसिल के जरिए हर बच्चा अपने लिखने की शुरुआत करता है, उसी पेंसिल का एक छिलका मासूम बच्ची के लिए जानलेवा साबित हुआ। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से कैसी ही दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां मुंह में कटर पकड़कर बच्ची पेंसिल छील रही थी और उसी दौरान सांस के साथ एक पेंसिल का छिलका मुंह में चला गया और नली में अटक कर बच्ची को बेदम कर दिया। पेंसिल के छिलके ने जिस बच्ची की जान ली, उसकी उम्र महज 6 साल थी और वह अपने भाई के साथ छत पर पढ़ाई कर रही थी, और इसी दौरान उसने मुंह में शार्पनर पकड़कर पेंसिल को छीलना शुरू कर दिया। छीलते छीलते न जाने कब एक छिलका बच्ची के मुंह में चला गया और मुंह के रास्ते सांस की नली में अटक गया, जिसके तुरंत बाद ही बच्ची की सांस फूलने लगी और वह सुस्त पड़ने लगी। बच्ची की बिगड़ती हालत देख माता पिता उसे फौरन अस्पताल लेकर भागे, लेकिन डॉक्टर जब तक उसका ट्रीटमेंट कर पाते मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया। बच्ची के पिता नंदकिशोर ने बताया कि बेटा और दो बेटियां छत पर पढ़ाई कर रहे थे, इस दौरान 6 साल की वह बच्ची इस हादसे का शिकार होगी। ऐसी घटनाएं सुनने के बाद माँ बाप बच्चों के प्रति और ज्यादा सतर्क और कड़क होने लग जाते हैं, लेकिन क्या करें, बच्चे मासूम होते हैं और बहुत सी बातों से अनजान होते हैं, और कब कौन सी छोटी सी चूक उनकी जान पर भारी पड़ जाए ये वो खुद भी नहीं जानते। लिहाजा जरूरत है कि छोटे बच्चों पर हमेशा निगरानी बनाई रखें। बच्ची जो आई है वो अर्थिका नाम की बच्ची है, उसके पिता का नाम नंदकिशोर है और वो पहाड़ी वीर की रहने वाली है। बच्ची जो हमारे अस्पताल में आई वो मृत अवस्था में आई थी, उसके परिजन लेके आए थे और परिजनों ने बताया कि बच्ची जो है अपने भाई बहनों के साथ ऊपर छत पे पढ़ाई कर रही थी और पेंसिल छीलने के दौरान ये हादसा हुआ। पेंसिल और कटर जो है मुंह में चला गया।